राजस्थान के दौसा से बीजेपी सांसद जसकोर मीणा के किसान आंदोलन को लेकर दिए बयानों के बाद राजस्थान में सियासी संग्राम छिड़ गया है। सांसद ने मंगलवार को आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहा था, अब उनके इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सांसद के बयान वाला वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी और संघ पर भी हमला बोला है। पहले सुनिए बीजेपी सांसद जसकोर मीणा ने क्या कहा है कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। सांसद के इस बयान वाले वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये दौसा से बीजेपी सांसद जसकोर मीणा है, किसानों के प्रति इनकी घृणित सोच और अमर्यादित भाषा सुनिए। सत्ता के अहंकार में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें देश का अन्नदाता आतंकी दिखता है। विरोध करने वालों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताने का संस्कार तो इन्हें संघ से ही मिला होगा। अब सुनिए जसकोर मीणा का पूरा बयान, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी और किसान आंदोलन को लेकर क्या क्या कहा। मोदी जी को लेकर कमेंट्स करने वाले अभी सोच नहीं पा रहे कि मोदी युग पुरुष है, मोदी वाकई में इस देश को पुनः जगत गुरु बनाने की ओर ले जा रहा है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं, जिन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, दूर करते हुए मोदी ग्राम विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनिए दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा क्या कह रहे हैं। देखो, मैं सांसद महोदय का जो ये वक्तव्य है उसकी घोर निंदा करता हूँ। भारत की जनता 70-75% कृषि आधारित है। यहाँ 70-80% लोग बाग खेती करते हैं। यदि बीजेपी वाले या सांसद महोदय या मोदी जी यदि उनको आतंकवादी समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। सच्चे राष्ट्रभक्त यदि इस देश के हैं तो किसान हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं तो किसान करते हैं, अन्न पैदा करते हैं तो किसान करते हैं, यदि देश जीवित है तो किसान का ऊपर है। और ये सांसद और मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं ना, ये भी किसानों के पीछे बने बैठे हैं। इसलिए ऐसा वक्त है तो सांसद मदों को नहीं देना चाहिए कि किसान आतंकवादी है और किसान नक्सली है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। इसे हमारे